इस प्यार के सदके। ज्यादा दर्द तो नहीं होगा? नहीं, मुझे दर्द दर नहीं होता, लेकिन मुझे बहुत दर्द होता है। झूठ है, झूठ है। क्यों बेटा, वो मसला क्या है? लड़की कौन है? किस लड़की की बात कर रहा था सर? मारा क्यों मुझे? जोर से बताओ ना। कितनी कोशिश करता हूँ कि करीब आ जाऊं, तो समझ ही नहीं आती उनको कुछ। कौन है लड़की बेटा? कोई अच्छी लगती है तुम्हें? कोई नहीं। बताओ ना। शान से कौन? शान से वो मीर साहब की बेटी है, मेरे मेरे को, 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 कॉलेज में पढ़ती है। आई लाइक बेटा, जिसको पसंद करते हैं ना उसको तंग नहीं करते। तो क्या क्या करते? प्यार से बात करते हैं, रिश्ता लेके जाते हैं, शादी करते हैं, उसके साथ एक जिंदगी बनाते हैं ना। हाँ, मगर वो पप्पू ने मुझे कहा था कि अरे बात करो, पूछो, फिर कर लेना रिश्ता भी। पप्पू, तुमने मुझसे पहले अपनी फूफो से ये सब बात की है? मुझे लगा पप्पू मुझे ज्यादा अच्छे समझ सकती है, कर ली बात। मैं कितना बुरा हूं, तुम्हें परेशान कर दिया और परेशान करके चला गया, जबकि मुझे पता भी है कि तुम्हें ब्लड प्रेशर है। अगर मैं नाराज हो जाऊं तो तुम सो नहीं पा, लेकिन मैं फिर भी नाराज हो जाता। इस वक्त मैं किसी बहस में पड़ने के मूड में नहीं हूं।
सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि मैंने एक फैसला किया है। मैं अपने बेटे का रिश्ता शांजा के घर लेके जाऊंगी एंड दैट्स माय फाइनल डिसीजन। तुम मीर साहब की बेटी का रिश्ता लेने जाओगी? आर यू मैड? नो आई एम नॉट मैड। तुम्हें पता है उस शख्स ने हमारे बेटे के बारे में क्या कहा? क्या कहा? बताए ना मेरे बेटे के बारे में क्या कहा है? उसने कहा है कि अब्दुल्ला मेंटली रिटार्डेड है एंड ही नीड्स अ साइकाइट्रिस्ट। माय सन इज नॉट मेंटली रिटार्डेड। आई नो कि हमारा बेटा मेंटली रिटार्डेड नहीं है, लेकिन तुम उस शख्स के पास जाओगी जो ये सोच रखता है उसके बारे में, उसकी बेटी मांगोगी, तुम अपनी बेइज्जती करवाओगी। वो लड़की मेरे बेटे की पसंद है और मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बेइज्जती भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। आपको अगर नहीं आना तो मत आए, मैं अकेली चली जाऊंगी। आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट। तेरे बिना मैं मेरे इश्क करेगा है? लड़कियों से मिलेगा और इश्क करेगा, बोल सकता नहीं है, चल सकता नहीं है, इश्क करेगा और उनके बाप आके मुझसे शिकायत करेंगे, मेरी कोई इज्जत नहीं रही है, है? सकेंगे सनम कर ले जो दुनिया सितम, तेरे बिना मैं मेरे बिना तू जीना सकेंगे सनम कर ले जो दुनिया सितम, जैसे साथ हम धनक के वो साथ जैसे हैं साथ हम तनक के वो साथ रंग, उस पल की क्या ही बात हो जिस पल में तेरा साथ हो, उस प्यार के सदके, उस प्यार के सदके, ये बावला कहां से आ गया था? शुक्र है ख्वाब ही था। अंदर है? जी वो अभी सो रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? खफा हूं मुझसे, रात भर मैं सो नहीं पाया हूं, उसे मनाने जा रहा हूं फिर नाश्ते पे आते हैं। Thank you.
नाराज हो। नाराज हो तो कह सकते हो, नाराज हो मुझे माफ कर दो। फिर एक काम करो, मुझे खींच के थप्पड़ मारो, मारो, और लड़कियों की तरह नहीं, मर्दों की तरह खींच के जोर से, कम ऑन, मारो मुझे। या तो मुझे थप्पड़ मार के अपना गुस्सा निकाल दो, या फिर मुझे माफ कर दो। माफ किया, थैंक यू, सॉरी। चलो एक और काम करो, उसे कॉल करो, शान से। कम ऑन, इधर देखो, मैं क्या कह रहा हूं, इट्स ऑलराइट, कॉल हर, ओके। सर। वालेकुम सलाम मुंशी जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मुंशी जी, आपकी बेटी की शादी का क्या बना? जी बहुत जल्द हो जाएगी इंशाल्लाह। कोई तारीख वारीख तय हुई है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन कॉल आई थी उनकी, कुछ रोज में आएंगे तारीख तय करने। वैसे मुंशी जी, लड़के वालों का आपने पता कराया? आजकल बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, और वैसे भी बेटी का मामला है। आप भी एक लिहाज से ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है सर, और मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप को हल्की फुल्की छानबीन करने के बाद अपनी औलाद को अल्लाह के यकीन पे ही सौंप देना चाहिए। खैर सर, अब तो हो गया रिश्ता और अनकरीब शादी भी है, आप भी दुआ कीजिएगा अल्लाह उसके अच्छे नसीब करे। ओ हेलो, हाय। खैरियत? वो मैं उनसे सॉरी करने आया था। क्यों? कल मैंने तुम्हें थोड़ी बदतमीजी कर ली, उसके लिए सॉरी। थोड़ी नहीं, बहुत बदतमीजी की थी तुमने। दोस्तों के साथ कोई ऐसे करता है? दोस्त? ओफो, दोस्त मतलब फ्रेंड। तुम्हारी जो उर्दू है ना, वो बिल्कुल मेरे मैथ्स की तरह है। ओके
सुनो ले लो, खाओ खाओ, ऐश करो, मेरे साथ रहोगे तो ऐश करोगे। विश मी लक, बस एक दफा शांति अगर मान जाए ना, आई विल बी मोर देन हैप्पी। दुआ करती हूँ, दुआ करती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ हाय अल्लाह मियाँ, वो लड़की जल्दी से मान जाए। अल्लाह मियाँ जी, वो लड़की शादी के लिए हाँ कह दे। अल्लाह मियाँ ऐसे तुम इतने भी बुरे नहीं हो। I know. तो क्यों मना करती है? कहीं उस लड़की में कोई मसला तो नहीं है? पता कर वो कहीं बहंगी बहंगी तो नहीं है? What is बहंगी? ओहो, एक तो तुम्हें तो कुछ बिल्कुल ही नहीं कुछ पता। पढ़ा करो ताकि ज़हीन हो, ज़हीन हो। तुम्हें पता है? मुझे नहीं पता, मैं तुमसे ज़्यादा मेहनत करता हूँ, मुझे नहीं पता। बात करते हैं। देखा? फिर से वैसे वही बदतमीजी है, फिर से वही बदतमीजी। सॉरी करते रहना सारी जिंदगी। इम्पॉसिबल। मंसूरा ने सोचा भी कैसे कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता उसके पागल लड़के के लिए दे दूंगा। उसे मान है अपने इकलौते वारिस की शान और शौकत का। क्या ठीक है, जाए किसी फकीर की बेटी को ले आए। ये शान और शौकत मेरी बेटी के लिए कोई बहाने नहीं रखती। मीर साहब, मेरी इज्जत का थोड़ा सा मान रख ले, घर तो आने दे। आपके दिल में जो भी है आप मंसूरा को वहां सुना दीजिएगा। देखें, आप जानते हैं मैं भी इस रिश्ते की बहुत मुखालफत करता हूं। अब तो ऐसा लग रहा है कि इस राह का सबसे बड़ा पत्थर ही मैं हूं। प्लीज मेरी सिचुएशन समझे। आपने इनकार करना, आप इनकार कर, हमें घर तो आने दें, कम से कम आपका और हमारा रिश्ता तो कायम रहेगा। साहब जिस घर में बेरी हो वहां पत्थर तो आते ही है। अब उन पत्थरों में कोई ना कोई ऐसा पत्थर तो जरूर होता है जो कि टेढ़ा मेढ़ा और बदनुमा। तो क्या कहूं मैं मंसूरा से, हम आपके घर आज रात को आ रहे हैं। नहीं, रात को नहीं, शाम में आओ। मुझे बस सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं लगते, बट अदरवाइज जेन्युइनली वर्क हार्ड। रहने दो तुम, अब मुझसे तो झूठ मत बोलो। एक बात बताती हूँ, पता क्या है, मैं भी फेल होने पे अपने घर वालों को यही कहती हूँ। वैसे अब्दुल्ला मैं सोच रही थी कि वो लड़की मना क्यों करती है। देखो तुम्हारे लिए इनकार करना समझ में आता है, लेकिन तुम्हारा घर, तुम्हारी गाड़ी वगैरह सब कुछ नजर नहीं आता। मैं घर जा रहा हूं, बाय। वैसे आए क्यों थे? सॉरी करने आया था तुमसे। वैसे पता है तुम ना दिल से बड़े अच्छे हो। थैंक्स। पता नहीं एंड टाइम पे क्या हो जाता है दिमाग को। Thank you.
मेरा बेटा कितना हैंडसम लग रहा है। थैंक्स। अरे वाह, वाकई बड़ा प्यारा लग रहा है। थैंक्स डैड। लाइक फादर लाइक सन? यस। कहाँ डैड, आपसे अच्छा नहीं लग रहा मुझे। मुझे जिससे अच्छा लगना था ना लग गया। तुम्हारी बारी है, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। भाई जल्दी करो, अच्छा वक्त के पापा ने। लेट्स गो। क्या हुआ, चलो ना। जब डैड आपसे प्यार से बात करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। एटलीस्ट आपसे तो प्यार करते हैं ना। तुमसे भी बहुत प्यार करते हैं। चले। हाँ चले। हेलो। हाँ माशा, सच कह रही हूँ? अभी कुछ ही दिनों में आएंगी उनकी अम्मा हमारे यहाँ तारीख तय करने के लिए। हाँ अब मैं पेपर्स कहाँ दे सकूंगी। हाँ हाँ आना, जरूर आना, इंतजार करूंगी मैं तुम्हारा। बाय। अरे आजा माजबीन। हाँ हाँ मार। हेलो। हाँ रमशा, कब से तुम्हें फोन लगा रही हूँ, मेरा फोन ही नहीं उठाती हो तुम। फिर ये मत कहना माजबीन तुमने बताया ही नहीं। सच कह रही हूँ, प्रोफाइल पे जाके देख लो, प्यारी प्यारी तस्वीरें हैं उनकी। पागल अभी देखोगी? बहुत उड़ ली हवाओं में, अब जमीन पर आ जा, आके कुछ घर गृहस्थी सीख ले। तेरी सास जो है ना बड़ी खड़ूस है, ताने देगी कि माँ ने कुछ से कहा के नहीं भेजा। सुन लूंगी उनके ताने, रियाजी से तो अच्छे होंगे ना। ताने सुन लेगी, सीखेगी नहीं कुछ। अरे मना कब किया आज। हेलो। हाँ कुकू। हाँ वही अमीना। हाँ डॉक्टर है। आ रही हूँ, अम्मा बुला रही है ना। हाँ बस हो ही गई अम्मा, हद ही हो गई है वैसे है? चलो चलो काम सीख कुछ। शकल क्या देख रही है, काम कर कुछ। मुझे नहीं करना काम वाम, हर वक्त बेस्ती वेस्ती करती रहती हूँ। अब तो 4 दिन रह गए मेरे जाने में, हद हो गई। माधवी मैं बता रही हूँ, नीचे उतर, रख इसको नीचे, रख। नहीं रखती और ना ही उतरूंगी। बैठी रहे, बैठी रहे वहीं पे, ना सीख कुछ। आएगा ना तेरा बाप, खुद ही तुझे ठीक करेगा। रहेगी ना भूखी सारा दिन, खुद ही पता चल जाएगा। आई बड़ी ऐसी माँ किसी दुश्मन को भी ना दे। तो मैं एक ढंग की माँ ही दे देता मुझे। हेलो सर, अब्दुल्ला, हाउ आर यू? गुड। बैठ जाओ बेटा। सर साहब, मैंने आपसे कहा था कि शाम में आइएगा, आप देर लगा दिया आपने। बस आपको पता है ना, एक्साइटेड है लड़का, तो तैयार होने में थोड़ी देर लगी। मीर साहब ऐसे मरासिम तो नहीं है कि इस लहजे में बात की जाए। तो ऐसे मरासिम है कि आपका बेटा फोन करके मेरी बेटी को हरास करे। हरास? वो तो इज्जत से आपकी बेटी को घर लेके जाना चाह रहे हैं। इज्जत से? लेकिन मेरे ख्याल से शानजे आपको इसका जवाब दे चुकी है ना। हम बहुत उम्मीद से आए हैं, खाली हाथ वापस ना भेजे प्लीज। अच्छा, अब क्या पढ़ा हुआ आपका बेटा? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन थर्ड ईयर कर रहे हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन थर्ड ईयर, 6 साल में पहुंचा है? 6 साल? नो नॉट 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 चलो, रियली डजंट मैटर।
तीन चार छह यू थिंक इसमें इतनी कैपेसिटी है कि मेरी बेटी का ख्याल रख सके? जो लड़का सही से बात तक नहीं कर सकता, जो वहां बैठ के अपने हाथ मले जा रहा है, वो मेरी बेटी का ख्याल रखेगा? शायद आप लोग को समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूं कि खुदा के वास्ते मेरी बेटी का पीछा छोड़ दीजिए। माना आप लोगों के बहुत ताल्लुकात हैं, लेकिन ताल्लुकात मेरे भी हैं और शायद आपसे ज्यादा हो। मिस्टर सरवर, ये सीधा सीधा हरासमेंट का केस बनता है। ओ, चाय आ गई, चले चाय पी लें आप लोग। नहीं शुक्रिया, मेरे ख्याल से काफी इज्जत अफजाई हो गई हमारी, हमें चलना चाहिए। हेलो, घर पर I'm coming. सर्वर चले, बहुत हो गया ना। I'm coming. चलिए, शुक्रिया जी। आप मैं चलूं? छोड़िए, आप तशरीफ रखिए। थैंक यू। बहुत अच्छा हुआ मंसूरा तेरे साथ। अरे दूसरे के बेटे की जिंदगी बर्बाद करेगी तो क्या तेरा बेटा आबाद रहेगा? वो डेहूर कहीं की ना हो तो। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं की अम्मा। हाँ? आप अच्छी तरह जानती हो किसने किसकी जिंदगी बर्बाद की। हाँ तो तेरे मुस्तकबिल के लिए तेरे फायदे की तो बात की थी मैंने, और अब भी तेरे फायदे की बात कर रही हूँ। अरे कर लेना उस मुंशी की लड़की से शादी, इजाजत दे तो दी है मैंने। क्या बना उस लड़की का? क्या मुश्किल है अम्मा। अम्मा तुम बार बार उसके बारे में क्यों बात करती? मुझे तकलीफ होती है, मत किया करो। क्या कह रहा है वो मुआ मुंशी, क्या बकवास कर रहा है? उसमें कभी पसंद था ही नहीं। शहबाज साहब के वफादारों में से कोई मेहरबानी करता तो चौकन्ना सा हो जाता। बड़ी अकल की बात की तूने बच्चे। अरे शहबाज का वफादार भी तो उसी के टुकड़े खा के हुआ होगा ना, तू भी डाल दो उसके आगे कुछ टुकड़े। बात सुन ए मुन्ने, मेरी बात गौर से सुन। तेरे तरकश में जितने भी तीर है ना, जितने भी तीर हैं, वो सब के सब तूने चलाने। क्या पता, अरे क्या पता कौन सा तीर निशाने पर लगे। ये बात ये नीलो बेटी है, माजबीन की दोस्त है, लेकिन बहन होने का पूरा फर्ज निभाया हमेशा इसने। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई साहब अब तय हो गया कि इस महीने की 25 तारीख को खैर से शादी हो रही है। खैर से? भाभी शादी के लिए तो कुछ टाइम चाहिए होता है, तो हम कह रहे थे कुछ ज्यादा दिन मिल जाते जी। अरे नहीं सबात भाई, ज्यादा क्या करना है, एक जोड़ा और एक सोने का सेट दे दें। बाकी ये मशीनरी वगैरह तो हर घर में मौजूद होती है और हमारे पास तो बर्तन बहुत ही हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो कैश दे दें, ज्यादा सही रहेगा। लेकिन बहन जी हमने तो थोड़ा थोड़ा करके सारा सामान जोड़ लिया है जी। अरे तो इसमें परेशानी की क्या बात है भाई साहब? भाई गीजर या फ्रिज या वो जनरेटर ये तो नहीं लिया होगा ना आपने, तो कैश दे दें। बाकी गाड़ी भले आप छोटी दे दें,
लेकिन हाँ गाड़ी में एसी होना चाहिए भाई साहब, अगर वो भी नहीं दे रहे तो फिर उसका भी कैश दे दें। भाई साहब देखें, जो कुछ भी आप दे रहे हैं वो अपनी बेटी को दे रहे हैं, मेरा क्या इसमें, बाकी लोगों का काम है बातें करना, सो तो करते ही रहेंगे, है ना बेटा? जी ठीक है। आपने चाय तो लीजिए आप बेटा, ले लो। मेरे इकलौते भाई का रिश्ता लेकर आप अकेले चली गई, वो भी इस सर्वर के साथ। डैड की क्या गलती है? क्या मतलब डैड की क्या गलती, सारी उन्हीं की गलती है। ये जो तुम्हारा मामाज बॉय वाला लुक है ना, उन्हीं की देन है। एक बंदा मैथमेटिक्स में जीनियस है, उसी में अपना करियर परस्यू करना चाहता है, लेकिन नहीं किसी और फील्ड में ढकेल रहे कि उसमें फेलियर का छाप लग जाए। सही कहती है, डरता ये है, हकलाता ये, सारी प्रॉब्लम्स इसी के साथ है। मॉम मेरा भाई नॉर्मल था, सिर्फ उसकी एक प्रॉब्लम थी कि वो हसास था। एक आम लड़कों की तरह उसे बाप की मोहब्बत चाहिए थी जो डैड ने नहीं दी। तो पहुंच गए आप दोनों मोहब्बत के भिखारी बनकर उस लुटेरे के घर पे, पूरा का पूरा घर बदनाम किया उसने लुटेरा। सही कह रही हो तुम, मैंने ही अपने बेटे के सारे ख्वाब बर्बाद किए। वशमा इस वक्त इशू सर्वर नहीं है, इस वक्त इशू शांजे की हाँ है। अगर तुम उसे कन्विंस नहीं कर सकते तो उसे भुलाने की कोशिश करो। क्या क्या मतलब बुलाने की कोशिश करूं? दुल्ला बी स्ट्रॉन्ग, अपने आप को ऐसे ना बिखेरो, अपने आप को समेटना सीखो, ऐसे बनो कि लोग तुम्हारी आरजू कर सके। उस लड़की से मोहब्बत करो जिसका तुम ख्वाब बन सको, दुनिया तुम पे रहम नहीं खाएगी। और वैसे भी भीख में मिली हुई मोहब्बत ऐसे ही होती, सरफर आकिल जैसे। और भीख में लोग तो खोटे सिक्के भी दे देते हैं यार, सो बी स्ट्रॉन्ग। मैं चाह रहा था कि आप लोग शांजे से अगर एक दफा बात करने जाके, आखिरी दफा तो। नहीं बेटा, हमारी बहुत बेइज्जती हुई, हाँ वापस नहीं जा सकते। हाँ मगर अगर एक दफा जाके लास्ट दफा बात कर लेते फिर मैं नहीं बोलूंगा आप लोगों को, आई प्रॉमिस यू, लास्ट दफा। अच्छा ठीक है, एक आखिरी बार मैं भाभी और अब्दुल्ला शांजे से मिल लेता हूँ। डन, लास्ट टाइम, आई प्रॉमिस। एक मिनट, मैं क्यों नहीं जा सकती साथ? क्योंकि हम शांजे से इस उम्मीद से मिल रहे हैं कि वो हाँ कर दे, तो मैंने जाकर उसे पिटवाना नहीं है। हाँ तो ठीक है, कोई मेरे भाई की बेइज्जती करेगा तो मैं चुपचाप बैठी रहूंगी। मामा मैं आपकी जगह होती ना, घर की दो तीन चीजें तो तोड़ ही देती। क्या अब इतनी जोर का भी नहीं मारा मैंने। एक मिनट, कहीं सर्वर ने तो नहीं मारा तुम्हें? नहीं, मैं वॉशरूम में स्लिप हो गया था। अच्छा अच्छा पाव देना। कितने रुपए पाव है? 80 रुपए पाव है। अरे 80 रुपए पाव क्यों है? पूरे जहान में जब 60 रुपए पाव मिल रहे तो तुम क्यों 80 रुपए पाव दे रहे हो? और वैसे भी तुम्हें शक्ल से क्या बेवकूफ नजर आती हूँ मैं? पूरे मोहल्ले को उल्लू बना सकते हो, मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते चाचा। हाँ अरे बात तो सुनो। क्या बात सुनूं? और रोज आते हो ना यहाँ पे, फिर दे दूंगी, कल दे दूंगी, ठीक है? अरे कितने पैसे हो गए मुझसे? अरे नहीं साहब, एक तो 20 रुपए ज्यादा दे गई
ऊपर से इतनी बातें भी सुना गई। खैर कल वापस कर दूंगा, इसका तो रोजाना का यही काम है। अब्बा अब्बा अब्बा। माँ जबीन क्या हो गया बेटा? अब्बा वो बड़े साहब आ गए। बड़े साहब? कौन बड़े साहब? बड़े साहब। अरे अरे सरवर साहब आप कैसे हैं? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक सर। आए आए प्लीज। मैं गलत वक्त पे तो नहीं आया? नहीं नहीं प्लीज। सीमा जल्दी इधर आओ, आइए प्लीज। जी सर हुक्म। मुंशी जी आप मुझे बड़े अरसे से जानते हैं। जी जी मेरी आदत से अच्छी तरह वाकिफ हैं आप। आपको पता है मैं तमहीद नहीं बांधता, साफ बात करता हूं। जानता हूं सर। मुंशी जी मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। इस प्यार के सदके